आने वाले 30 नवंबर से झारखंड में विधानसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं, जो कि 5 चरणों में होते हुए 20 दिसंबर तक जारी रहेंगे। लगभग सभी पार्टियों द्वारा चुनाव प्रचार के सहारे लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच जेडीयू जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने की तैयारी कर ली है। मालूम हो कि बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा के साथ गठबंधन में है। दरअसल नीतीश कुमार झारखंड में चुनाव से पहले राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ लड़ रहे प्रत्याशी सरयू राय के समर्थन में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड झारखंड में भाजपा के खिलाफ चुनाव प्रचार करती नजर आ सकती है। आपको बता दें कि रघुवर दास के खिलाफ लड़ रहे विरोधी उम्मीदवार सरयू राय पहले रघुवर दास की कैबिनेट का हिस्सा थे, साथ ही वह झारखंड में भाजपा के बड़े चेहरे की तरह भी देखे जा रहे थे, लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिससे नाराज होकर उन्होंने रघुवर दास के खिलाफ चुनाव में अकेले ही खड़े होने का फैसला किया है। नीतीश कुमार और सरयू कॉलेज से दोस्त रह चुके हैं, जिससे जेडीयू प्रमुख झारखंड चुनाव में अपने पुराने दोस्त के लिए खुले तौर पर न सिर्फ समर्थन कर रहे हैं बल्कि उनके लिए वोट मांगते भी नजर आ सकते हैं। इस बारे में बीते मंगलवार को जेडीयू संसदीय पार्टी के नेता राजीव रंजन ने रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सरयू राय पार्टी में रहते हुए भी पिछले 5 सालों से लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करते रहे हैं और इस मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब राजीव रंजन से पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार झारखंड चुनाव में सरयू राय का समर्थन में प्रचार करेंगे, इसके जवाब में उन्होंने कहा, अगर सरयू राय नीतीश कुमार से प्रचार करने का आग्रह करते हैं तो हम सभी उनसे आग्रह करेंगे कि उनके लिए यहां प्रचार करें, और अगर सरयू राय को हम सभी की जरूरत होगी तो पार्टी भी उनके लिए प्रचार करेगी। देखने वाली बात यह होगी कि अगर नीतीश कुमार खुले तौर पर सरयू राय का समर्थन करते है तो बीजेपी को बड़ी किरकिरी झेलनी पड़ सकती है। आपको बता दें कि इस बार बीजेपी राज्य में एंटी करप्शन थीम को लेकर चुनाव लड़ रही है, वहीं दूसरी ओर सरयू राय भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर लड़ते आए हैं। वर्ष 1994 में सबसे पहले उन्होंने पशुपालन घोटाले का भंडाफोड़ किया, वहीं झारखंड में खनन घोटाले के सामने लाने में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाया था। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से YouTube एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।